लाइफ का सबसे सबसे बुरा टाइम था जब मम्मी पापा ने मुझे अपने आप से दूर किया और मेरे रहमान ने भी मुझे दूर किया था। इतनी तकलीफ हुई थी ना मम्मी से दूर जाने की, बहुत तकलीफ हुई थी कि वो मुझे अपने आप से दूर कैसे कर सकती है और वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। अगर मैंने किसी से प्यार कर लिया या मेरे को कोई लड़का पसंद आ गया तो मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ। तो इसी बात से उन्होंने मुझे ना दूर कर दिया। और आज तक मैं दूर हूँ। मन होता है उनसे मिलने का, मेरा दिल करता है कि मैं घर जाऊं लेकिन नहीं जाती हूं। उन्हें ये भी फिक्र नहीं है कि मैं कहाँ हूं, मैं किस हाल में हूं। तो मेरी याद भी नहीं आती। कभी वो मुझे देखना नहीं चाहते, ना मुझसे बात करना चाहते। ऐसा क्या किया मैंने? आज मैं देखती हूँ कि यहाँ पर गर्ल्स हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हैं, उनकी माँ बाप भी खुश हैं, हीरोइन बन रही हैं या अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही हैं, पर मेरे घर में तो ये सब अलाउड ही नहीं है। मुझे आपकी जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी थी। वो 14 साल की उम्र में शादी कर दो, बच्चे कर लो, बस वही जिंदगी है। मुझे नहीं गुजारनी थी, मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। तो इसकी आपने मुझे ये सजा दी कि मैं जिंदगी भर आपसे मिलूंगी नहीं और आपकी चौखट पे नहीं आऊंगी। आप मर भी जाएंगे ना तो मैं आपको देखने नहीं आऊंगी, दोनों में से कोई भी। मैं बहुत जिद्दी इंसान हूँ। मेरी जिद इतनी है कि मैं 8 साल से आई नहीं हूँ आपके शहर में, नहीं आई हूँ, मैंने पैर तक नहीं रखा है। भले मैं गैरों को अपना बना लूंगी, मतलब आपने जरा सा भी सोचा था कि ये 14 साल की बच्ची है, ये क्या करेगी? इसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये जवान लड़की है, ये क्या करेगी? जरा आप तो सोच लिया होता। इतना सा नहीं सोचा आपने, किस हाल में रहूं? कोई बात नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए, ना माँ ना बाप ना भाई ना बच्चा, कोई नहीं चाहिए। मैं खुद ही सब पे हावी हूँ। इतनी क्षमता है, मैं जी के दिखाऊंगी और मुझे किसी की याद नहीं आएगी। और एक दिन आप लोग मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, मैं अपने आप को उस ऊंचाई पे लेके जाऊंगी। भरा हुआ है मेरे अंदर, जिसे मैं अपनी तरक्की के रूप में निकालूंगी और आप तरसेंगे मेरे से ऑटोग्राफ लेने के लिए, और मैं बोल दूंगी ये मेरे माँ बाप नहीं है। जिसको देखो मेरे साथ बुरा करता है, बचपन से लेके आज तक मुझे प्यार नसीब नहीं हुआ। प्यार के लिए तरसी हूँ मैं। सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ प्यार नहीं है, ना माँ बाप का प्यार ना पति का प्यार। प्यार मिलेगा मुझे एक दिन, वो आएगा
दुनिया मुझसे प्यार करेगी, और यही लोग जो मुझसे नफरत करते थे ना बचपन से अब तक, जिन्होंने मुझे रुलाया सताया, वो तरसेंगे मुझसे बात करने के लिए, और मैं उनको पलट के भी नहीं देखूंगी, पहचानूंगी नहीं मैं उनको। ऐसा नहीं है कि मैं घमंडी हूँ, मैं उस इंसान को पहचानूंगी जिसने मेरे बुरे वक्त पे मेरा साथ दिया और मुझे अच्छी बातें करी और प्यार किया। कुछ लोगों ने मुझे धुतकारा भी, क्योंकि मैं 14-15 साल की थी, कुछ लोग मुझ पर गंदी नज़र रखे हुए थे, किसी भी तरह इसको यूज़ करें। ऐसे लोगों को मैं नसीब नहीं हूँगी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, और मेरे लिए तरसेंगे लोग, मैं वो वक्त ला के दिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द।